हेलो गाइस, मैं हूं अंकित और मैं ही था भाई बाबू भैया के मीटअप का बाइक मिनट जो कि 28 तारीख को हुआ था और आज हो चुकी है फिलहाल 2 तारीख। और इन 2-3 दिनों में भाई बहुत बार कॉल आया मेरे पास कि आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, डिलीवरी लेनी है गाड़ी की। तो भाई फिलहाल आज वो पल आ ही चुका है जिस दिन हम लोग डिलीवरी लेने जा रहे हैं। और भाई वहाँ पर पता नहीं क्या माहौल है क्या नहीं है। तभी हम लोग भाई जा रहे हैं लखनऊ के रेस डायनेमिक्स के, वहाँ उन्हीं के वहाँ होगी भाई डिलीवरी। गाड़ी डिलीवरी लेने के लिए हम 3 ही लोग जा रहे हैं क्योंकि मना किया गया भाई बहुत सारे लोगों को लाने के लिए उन्होंने कि ज़्यादा लोग नहीं आएंगे। अब पता नहीं भाई बाबू भैया आ रहे हैं या नहीं आ रहे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, उसका तो अभी फिलहाल कंफर्म है नहीं। बट जिस तरह से बात हो रही है उस तरह से तो लग रहा है कि बाबू भैया हैं। तो अभी हम लोग 3 लोग जा रहे हैं, भैया हमारे जा रहे हैं, मनीष जी और रोहित भाई भी जा रहे हैं। और अभी थोड़ा सा सामान वगैरह लेना है बाबू भैया के लिए, बुके वगैरह, तो उसी को लेने के लिए हम लोग आ चुके हैं भाई चौक में। और यहाँ से जो रेस डायनेमिक्स है वो लगभग 10 किलोमीटर है। मजा आएगा और प्राउड मोमेंट रहेगा पूरी फैमिली के लिए और पूरे दोस्तों के लिए, पूरे लखनऊ वालों के लिए। तो गाइस इतना टाइम लग गया भाई, बार बार फोन आ रहा है भाई शोरूम से और रास्ता हम लोग को पता नहीं, तो मैप के सहारे आ रहे धीरे धीरे। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं भाई मिठाई वगैरह लेने के लिए। रोहित भाई कैसा लग रहा है, मिठाई तुम ही खाओगे क्या? नहीं भैया, बाबू भैया के। बाबू भैया भैया मिठाई खाएंगे, काजू कतली ले ली भाई आधा किलो। तो गाइस मिठाई वगैरह ले लिए यहाँ से भाई पंचमुखी से, और अभी फिलहाल हम फिर से चल चुके हैं भाई रेस डायनेमिक्स शोरूम जो, और क्योंकि थोड़ा सा टाइम और लगने वाला है, लगभग 15 मिनट लगेगा हम लोग पहुँचने में। तो गाइस आ चुके हैं भाई हम लोग रेस डायनेमिक्स पे। ये गाड़ी भाई खड़ी है बाबू भैया की, देख लो। तो गाइस इस साइड भाई आया भूसा सॉरी खड़ी है, देख लो इस साइड भाई देख लो। और ये भाई बाबू भैया की गाड़ी आया भूसा UK 07। तो गाइस कंफर्म हो चुका है भाई बाबू भैया आ रहे हैं भाई, वही डिलीवरी देंगे हम लोग को और यहीं पे भाई उनकी गाड़ी लगेगी क्योंकि अभी हम लोग अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी कर रहे थे तो भाई ने मना कर दिया, यहाँ पे भाई लगेगी सुपरा। रोहित भाई एक्साइटेड भाई बाबू भाई से मिलने के लिए। ये वही गाड़ी थी भाई जो उस दिन मीटअप में आई थी भाई अनुराग भाई के साथ, पीछे देखी होगी भाई मीटअप में। वो भाई क्या हाल है, बढ़िया एकदम, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अब ट्रिप बैठ गई? कल ही रही हूँ भाई, मैं देख रहा था भाई के ड्रिप ड्रुप लगी हुई थी, बट क्या फीलिंग थी जब नाम अनाउंस हुआ वहाँ पर? कुछ समझ में नहीं है, अचानक पता नहीं क्या हो गया। मैं इसका एक ब्लॉग हमने देखा, ये वहीं खड़ा होकर क्या कर रहा हूँ, वैसे इतनी अच्छी मेरी किस्मत है नहीं, मुझे तो बाइक नहीं मिली। हाँ पहले बना दिया था वो, पहले ही सब बोल दिया था, बट पता नहीं क्या हुआ। हाँ, बना रहा था वो, बहुत अच्छे से सुन ली थी आपने वहाँ। हाँ, अनएक्सपेक्टेड व्लॉग चल रहे थे एकदम फुल पावर। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज बता रहा था गाइस, ये बाइक आपको कोलैबोरेशन में मिल रही है रेस डायनेमिक लखनऊ की तरफ से, तो नीतीश भैया का भी थैंक यू कीजिए। बहुत बहुत इनकी लीगल फॉर्मेलिटीज हो चुकी है एक्चुअली। मैं गाइस लखनऊ में देयर इज अ शोरूम जो बाइकिंग ब्रदरहुड प्रमोट कर रहा है, जो इन सब चीजों के लिए हमेशा आगे, एंड दैट इज रेस डायनेमिक लखनऊ। नीतीश भैया का आइडिया था कि साथ में मिलकर कोलैबोरेशन करते हैं, बाइक गिव अवे हो ही रहा था तो हम लोगों ने साथ में मिलकर, और वाकई में ये देखो अंकित नाम है ना जी, तो इनके नाम पे ये बाइक हो चुकी है, 3 दिन के बाद अपना पेपर इनके नाम ट्रांसफर हो जाएंगे। और ये जो है मतलब तुम्हारी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और मैंने ये कभी सोचा नहीं था, मैं पिछले 3-4 साल से बहुत स्ट्रगल कर रहा था गाड़ी लेने के लिए, मैंने बहुत कुछ सामान ले लिया, बट गाड़ी का मेरे पास बाइक है, कोई बाइक नहीं आपके पास? कोई बाइक नहीं है, मतलब ये समझिए ब्रो से ना, मतलब बाइक काफी अच्छा लगा और काफी ये वर्ल्डिंग बोली जा सकती है, इतना इतना बड़ा दिल अनुराग का बाबू भैया का ही हो सकता है, मतलब रैंडम एक बंदे को अपनी सेना में से निकालना, वो एक मतलब जितने की भी पैसे मैटर नहीं करते, व्हाट आई फील लाइक कि जब एक लड़की की नई बाइक आ रही होती है ना वो मैटर करता है, भाई अगर ना खुश हो जा रही है वो मैटर करता है। मम्मी खुश है? मम्मी को बता, मम्मी का रिएक्शन क्या था? उन्होंने तुरंत ही हमसे, जब मैंने स्टोरी डाली थी वो पहले ही केक वगैरह सारे दोस्तों को बुलाकर, उसके बाद जब मैं घर पर पहुंचा था उसके बाद ही सेलिब्रेशन हो गया था,
कि भाई मेरे लड़के को जो है गाड़ी मिली है बाबू भैया की तरफ। वैसे तो आपको नहीं जानती बट मेरे दोस्तों ने बहुत सारी वीडियोस दिखाई आपकी और हमारे घर के लोग भी बहुत छोटे छोटे जो बच्चे थे वो बहुत आपके फ़ैन हैं और कह भी रहे थे मुझे लेने के लिए बट सब स्कूल गए हैं। कोई नहीं, डेफिनेटली आंटी अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस टू योर लड़का, आपके लड़के को फाइनली बाइक मिल चुकी है। पेपर वर्क हम लोगों ने करवा दिया। नीतीश भैया कितने दिन में? तीन दिन में इनके नाम बाइक था। आज हम आपको बाइक हैंड ओवर कर देते हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज हो चुकी है और तीन दिन में बाइक आपके नाम पे फिर आराम से लेकर घूमना। एज 18+ ना? 18+ है ना, लाइसेंस ले लिया? हाँ लाइसेंस वगैरह सब इनका ले लिया। ओके बॉयज द मोमेंट इज हियर। कल आप लोगों को पता है हमारा बाइक का गिव अवे था एंड फाइनली अंकित भाई भी थोड़ा आराम से चलाएंगे, एकदम स्टार्ट कर देना। एंड वी हैव गॉट अंकित भाई यार जो लखनऊ के बाइक गिव अवे के रैंडम विनर थे गाइस। एंड फाइनली सारा डॉक्यूमेंटेशन का काम हो चुका है एंड नाउ वी आर हैंडलिंग ओवर द बाइक टर्न। इट हैज बीन पॉसिबल बिकॉज ऑफ रेस डायनेमिक लखनऊ नीतीश भैया। जब तक हमारे भाई लोग हैं लखनऊ में, नीतीश भैया ने मेरे को एक बात कही थी, जब तक लखनऊ में हमें तब तक सारी चीजें सॉर्टेड एंड एक्चुअली यू नो सब चीजें सॉर्टेड रही। कैसा एक्सपीरियंस है आपका? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था लगभग 3 से 4 साल। मैं लगभग 3 से 4 साल में 5 बार शोरूम गया हूँ और 5 बार मेरा मैं गाड़ी नहीं ले पाया हूँ। क्यों मतलब मतलब क्यों नहीं ले पाए 5 बार शोरूम? जब भी मेरे पास पैसा हुआ बट वो कहीं ना कहीं लग गया और उसी कारण मैं बाइक नहीं ले पाया। बट किस्मत यहाँ थी ये मुझे पता नहीं। देखो जब जिंदगी में मेरे को जरूरत थी ना तो लोगों ने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया है एंड जिसकी एक्चुअल जरूरत रहती है ना उस तक मदद पहुँच ही जाती है। भाई ये बता रहे थे 3-4 बार शोरूम गए हम लोग, मेरे को ना अपना टाइम याद आता है पता जब सुपर बाइक केटीएम वाला टाइम भाई मेरे साथ ये जर्नी में जी चुका हूँ। मैं 3-4 बार शोरूम गया था और पैसे नहीं हो रहे लिटरली। लेकिन पिताजी आके बोले तथा ये लो बाइक तुम्हारी। सो फाइनली भाई का सपना भी पूरा होने जा रहा है गाइस। रेडी ना प्रॉपर नीटू भाई फटेगा ना पक्का पक्का यहाँ फटना चाहिए। 3-1 पे रिवील करेंगे ठीक है। ओके गाइस लेट्स गो 6 से 7 उपयोग कर रहा है और आराम से चलाना। सो फाइनली गाइस बाइक को बाइक मिल चुकी है एक बार स्टार्ट करके। ये बाइक देने का सबसे बड़ा मोटिव यही है कि लोग अच्छे से राइड करें, सेफ राइड करें। जिनके पास नहीं है जरूरतों के जरूरतमंदों के पास उनके पास जो भी हो सके मतलब जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करिए। और भैया ने बताया था हेलमेट वेलमेट बकायदा जो है पहन के जाना, डॉक्यूमेंटेशन के साथ। बाबू भैया ने बताया था कि ये बाइक मेरी नहीं मतलब ये पूरे लखनऊ की बाइक होने वाली है। भाई जिसको भी जरूरत पड़ेगी मैं उसके लिए खड़ा रहूँगा हमेशा। कभी भी कोई बात पड़ी तो मैं जब भी किसी को नीड पड़ती है वी ऑलवेज कम टुगेदर। कांग्रेचुलेशन भाई फॉर योर बाइक। अब समझ लो ये होता है हार्ड, पैसा सबको ही कमा रहा है। अच्छे अच्छे यूट्यूबर हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, स्टार भी, लेकिन 10,000 रुपए भी कोई किसी को देता है? देता है कोई? लेकिन ये सिर्फ दिल मतलब ये होता है, मतलब कोई वो नहीं बता रहे हैं अच्छा ही वो नहीं, मतलब इतना बड़ा जिगरा होना चाहिए। आज ये कम से कम 1.5 लाख रुपये की बाइक है ना, मतलब वो देने के लिए समझ लो वो मतलब क्या ही बोले, वर्डिंग नहीं है उसके लिए। कंग्रेचुलेशन भाई। इतनी खुशी हो रही होती है ना, इतनी खुशी जब फर्स्ट बाइक आ रही है इस लड़की की खुशी हम समझ सकते हैं ना। तालियां हो जाए भाई। कैसा लग रहा है बाइक पर बैठ कर? अच्छा लग रहा है भाई, ऐसा सोचा नहीं था भाई। मैं तो स्कूटी लेने वाला था लगभग 2-3 महीने बाद ही। मैं हार चुका था क्योंकि बहुत बार 2-3 बार मैं जा चुका था शोरूम बट वहाँ तो पैसे नहीं हो पाए थे। स्कूटी मैंने लेने की सोची थी 2-3 महीने पहले बट ये मिल गई। मैंने बहुत सारा तुम्हें लग रहा है सपना ही है ना?
भैया मैं भाई की वो फर्स्ट एक्सपीरियंस मैं फीलिंग बता सकता हूँ। जब मैं KTM के शोरूम में गया था ना फर्स्ट टाइम, तो यही फीलिंग थी, ऐसा एक्साइटमेंट सा फील होता है ना कि फर्स्ट, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा सोचा नहीं था भाई। ऑल हैप्पी, रियली हैप्पी गाइस, खुशियाँ बांटते हुए चल रहे इस राइड पर। ऑल द बेस्ट भाई, अच्छे से चलाना। और हाँ भाई, भाई की बाइक तो स्टार्ट हो गई, अपनी बाइक भी स्टार्ट कर ले, अपनी बाइक सर्विस। नीतीश भैया काम एकदम ओजी ओजी ओजी। बाबू भैया भाई जा रहे हैं बिजली से, कही देखो उनकी कार देख रहे भाई, कितनी भीड़ लगी बाहर लौंडों की। ये देखो सुपरा को देखने के लिए भाई, उधर अभी भाई भी पब्लिक उधर है उस साइड, बाहर साइड। तो गाइस देख रहे भाई आए हो, उसके प्राइस देख रहे भाई कितना है, 12,90,000, मात्र 12,90,000। गाइस ये हाइलक्स भाई आ चुकी है UK 07, देख लो भाई। तो गाइस भाई गाड़ी का कलेक्शन देख लो एक बार, रेस डायनेमिक्स भाई ये देख लो, ये देखा भाई, लगभग सवाई 3:30 बज चुका है। फिर मेरे 3-4 दोस्त और आ चुके हैं भाई नवाबगंज से, ये देख लो भैया रवि आए हैं। तो भाई देख लो भीड़, ये देख लो। तो गाइस गाड़ी की डिलीवरी करते करते भाई लगभग 5:30 बज चुका है, और काफ़ी मज़ा आया भाई यहाँ पर लोगों से मिलके, भैया से मिलके। और हेलमेट भी एक साथ में लिया है भाई, इसका कॉस्टली भाई काफ़ी हाई पड़ गया है, 2500 रुपये का पड़ गया हेलमेट। और रोहित भाई ने भाई खाई है काजू कतली काजू कतली भी खाई है सभी लोगों ने, और काफ़ी मज़ा आया भाई। और डिलीवरी लेने में काफ़ी जेन्युइन बंदा है भाई अनुराग भाई, और एक नंबर का भाई नेचर, तो कोई दिक्कत हुई नहीं फाइनली, और डिलीवरी हो चुकी है फिलहाल सक्सेसफुल। और आपकी ब्लॉग वक्त हो चुका है ब्लॉग में यही मेंट करने का, ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक से ना सब्सक्राइब करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नए लोगों के साथ। जय हिंद वंदे मातरम। और काफ़ी अच्छी अच्छी भाई गाड़ियाँ हैं, सुपर बाइक्स हैं, जिसको भी लेना हो भाई रेस डायनेमिक्स पे आ जाए, अच्छा प्राइस मिल जाएगा, और सुपर बाइक्स भी मिल जाएंगी पूरे लखनऊ के अंदर, तो कहीं मिलती नहीं बट यहाँ जो मिल जाएंगे।